नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केनरा बैंक की। क्या आपका केनरा बैंक में अकाउंट खुला हुआ है? क्या आप केनरा बैंक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं? चलो आज हम इसके शेयर के बारे में बात करते हैं। इसका शेयर आज 117.25 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें वन डे रिटर्न की, तो इसने आज 4.53 रुपये का रिटर्न एक दिन में दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 5 साल पहले या फिर 5 साल का अगर रिटर्न देखें तो 60.58 रुपये यहाँ पर इसने 5 साल में रिटर्न दिया है। अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज ये जो लो गया था वो 112 रुपये पर गया था, और अगर हाई की बात करें तो आज ये 117.55 रुपये पर गया था। 117.55 रुपये पर। अगर हम 52 वीक लोग की बात करें, 52 वीक मतलब 52 हफ्ते पहले ये कितना लोग पर था, तो आप देख सकते हैं 63.85 रुपये पे। 52 वीक हाई की बात करें तो ये 128 पर भी गया है। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा है, करोड़ों में है। अगर हम इसके एक्सपर्ट रेटिंग की बात करें ग्रो की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय 54% लोगों ने कर रखा है, और होल्ड 23% लोगों ने, और सेल 23% लोग कर रहे हैं। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इसकी मार्केट कैप 1,02,226 करोड़ की है। आरओई सही है 18.40% की। अगर हम इसके डेप्थ ऑफ इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर ये अभी शो नहीं कर रहा है डाटा, और फेस वैल्यू यहाँ पर 2 है और बुक वैल्यू यहाँ पर 91.52 है। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो आप देखेंगे कि कहीं भी ये जो बैंक है ये आपको लॉस में नहीं मिलेगा। प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर माइनस में ये गया था 2020 में, उसके बाद ये ऊपर ही रहा है प्लस में। अब अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 62.93%। अगर हम रिटेल में बात करें, जैसे कि हम लोग शेयर खरीदते हैं तो हम रिटेल में आते हैं, तो रिटेल में बात करें तो 13.96% का यहाँ पर रिटेल में शेयर होल्ड है। अगर हम बात करें अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में 3.49% यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश है, और अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 7.71%। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि हमें ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और ख़रीद कर कितने टाइम तक होल्ड पे रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा है कि अगर आप कोई भी शेयर बाई करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म में मत लेके चलो, उसको लॉन्ग टर्म में लेके चलो। आप उससे ये उम्मीद करो कि ये 15 साल में हमें कम से कम 10 गुना रिटर्न देगा। अगर आपको किसी भी बैंक पर भरोसा है और वो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो ग्रो ही होता है, वो कभी नीचे नहीं जाता है। जैसे कि आपने यस बैंक को देखा, वो यस बैंक काफ़ी नीचे आया और अभी वो 25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर मैं अपने तरफ से रिकमेंड करूं तो आप ये शेयर खरीद सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, मतलब 15 साल 20 साल तक आप इस शेयर को रख सकते हैं। क्वांटिटी की बात करूँ तो आप 1,000 से 2,000 के बीच में इस शेयर को ले सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।